वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो। माय नेम इज शिवानी। तो आखिरकार डोरेमोन यानी कि पॉल हेमन किसके साथ अपना रिटर्न करने वाले हैं? फिलहाल तो दो सुपरस्टार का नाम सामने आ रहा है, या तो द रॉक के साथ रिटर्न करेंगे पॉल हेमन या फिर ब्रॉक लेसनर के साथ। तो एग्जैक्टली हमारे डोरेमोन किसके साथ अपना रिटर्न करेंगे फाइनली, तो मैं आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो मेक श्योर आप लास्ट तक देखो, आपको मजा आ जाएगा। और हाँ यार, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दो। आपका एक सब्सक्राइब लिटरली मुझे काफी ज्यादा मोटिवेट करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं WWE के दो सबसे पावरफुल सुपरस्टार के बारे में, यानी कि ब्रॉस एंड्रेड और जैकब फाटो के बारे में। तो गाइस मैं आपको बोल रही हूँ, आप अभी से बस थोड़ा टाइम वेट करो, यानी कि सर्वाइवर सीरीज में आपको देखने को मिलेगा कि दोनों का मूनसॉल्ट प्लस सुनामी का कॉम्बो कितना यूनिक होगा ना। इधर से जैकब फाटो अटैक करेंगे, उधर से ब्रॉस एंड्रेड अटैक करने वाले हैं। रोमन रेंस का ब्लड लाइन तो गया, मैं आपको बोल रही हूँ अब रोमन रेंस डेफिनेटली हारने वाले हैं। आप ही देखो ना, अगर दो दो मोटू एक साथ भिड़ेगा तो कोई कैसे बच पाएगा? रोमन रेंस तो गए बेचारे। नेक्स्ट आगे बात करते हैं जॉन सीना के बारे में। जॉन सीना को लेके अभी अभी ये न्यूज आया है कि जॉन सीना फाइनली इस बार जब मैच होगा ना उनका नेटफ्लिक्स एरा में, तो उनका एक मैच देखने को मिलने वाला है सीएम पंक के साथ। देखो ना, रिटायरमेंट टूर हो और सीएम पंक और जॉन सीना का मैच ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। बट पता है, मैं पर्सनली चाहती हूँ जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन का मैच देखना। वैसे आप लोग क्या चाहते हो कि लास्ट टाइम जॉन सीना का कौन से सुपरस्टार के साथ फाइट होना चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, देखो ना अभी एडम पियर्स खुद ही टीज कर रहे हैं, उन्होंने पॉल हेमन और ब्रॉक लेसनर का एक फोटो शेयर किया है जब पॉल हेमन ब्रॉक लेसनर के साथ हुआ करते थे। तो इससे आप डायरेक्टली अंदाजा लगा सकते हो कि एडम पियर्स भी चाहते हैं कि अब पॉल हेमन ब्रॉक लेसनर के साथ ही आए। सभी कोई तो अभी ये भी बोल रहे हैं कि वो पांचवा मेंबर ब्रॉक लेसनर ही हो सकते हैं, क्योंकि पॉल हेमन के साथ आएंगे तो पॉल हेमन रोमन रेंस के ग्रुप में जाने वाले। सोचो ना गाइस, अगर ऐसा हो गया कि फाइनली हमें ब्रॉक लेसनर WWE में देखने मिल जाए तो तहलका मच जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं बुड्ढा विंस मैकमैन के बारे में। इनका तो अभी ब्रेकअप ही हो गया है, सोचो ना इस एज में इनका ब्रेकअप हो रहा है। ब्रेकअप इन द सेंस आई मीन टू से दैट डाइवोर्स हो रहा है इनका इस एज में। 70-80 के साल में तो सब कोई बूढ़े हो जाते हैं और करियर खत्म हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है और इनका अभी डाइवोर्स हो रहा है। पता है मुझे, पहले से जब मैं WWE देखती थी ना तभी से ये बुड्ढा मुझे पसंद ही नहीं आता। थोड़े टाइम पहले ये न्यूज आया था कि दोनों सेपरेट हो चुके, अब दोनों एक साथ नहीं रहते हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं जिला फाटू के बारे में। जिला फाटू को लेके भी टीज हो रहा है कि जिला फाटू बहुत जल्द आने वाले हैं। जैको फाटू, जिला फाटू, पता नहीं और कौन कौन सा बंदा आने वाला है जिसको हम लोग जानते ही नहीं है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं ब्लड लाइन के एक और मेंबर के बारे में, यानी कि लैंस एनोई के बारे में। इनको भी लेके ये टीज किया जा रहा है, बहुत जल्द ये WWE में अपना रिटर्न करेंगे। बट फंडा ये है कि वो शोलो के ब्लड लाइन को ज्वाइन करेंगे या रोमन के ब्लड लाइन को। इनडायरेक्टली भी मैं बोल सकता हूँ, रोमन रेंस का दिन काफी ज्यादा बुरा जा रहा है। रोमन रेंस तो बेचारे फंसते ही जा रहे हैं, बट बेचारे रोमन रेंस को इतना गंदा बुकिंग दिया जा रहा है कि गाइस मैं आपको बोल नहीं सकती। आप ही देखो ना, हमारे पांडा यानी कि रोमन रेंस इतने वीक तो है नहीं, उनको इतना वीक क्यों दिखा रही है WWE। नेक्स्ट आगे बात करते हैं जॉन सीना के बारे में। जॉन सीना पता है 2025 में बदल बदल के आने वाले, लाइक पहले जो जॉन सीना थे ना वो 2025 में नहीं दिखने वाले आपको। ये भी हो सकता है कि जॉन सीना में आपको चेंजेस नजर आ सकता है, क्योंकि बहुत सारे न्यूज में पता चल रहा है कि जॉन सीना अभी से प्रिपेयर हो रहे हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं विमेन सुपरस्टार के बारे में, यानी कि टिफनी शटन को लेके ये न्यूज बताया जा रहा है कि इस बार तो डेफिनेटली 110% टिफनी शटन अपना मन इन द बैंक कैशिंग करने वाली है सर्वाइवर सीरीज में। नेक्स्ट आगे बात करते हैं जय ईशो के बारे में। जय ईशो तो अभी बड़े बड़े कमिटमेंट दे रहे हैं। जय ईशो ये बोले है कि कॉडी रोड्स और गुंथर का बहुत जल्दी वो चैंपियनशिप लेने वाले हैं, यानी कि जय ईशो बोले है कि वो प्रूव करके दिखाएंगे कि वो चैंपियन बनने के लायक है। तो गाइस देखो ना, पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं जय ईशो 2025 में। आगे बात करते हैं सैमी शेन के बारे में। सैमी शेन को लेके तो फंडा खत्म ही नहीं हो रहा है, सभी कोई बोल रहे हैं कि हिल टर्न करेंगे। गाइस देखो, अब तो सैमी शेन के ऊपर ही डिपेंड करता है, बट मेरा गट फीलिंग बोलता है कि सैमी शेन बिल्कुल भी हिल टर्न नहीं करने वाले रोमन के ऊपर। वैसे मैं रोमन रेंस का बात कर ही रही हूँ तो आपको एक और बात बता दूं कि मुझे नहीं लगता है कि कॉडी रोड्स बेटर है रोमन रेंस से, क्योंकि पूरे WWE में एक ही बंदा सबसे ज्यादा पावरफुल और स्ट्रांग है, वो सिर्फ रोमन रेंस है। आगे बात करते हैं, मैं आपको पहले भी बोली कि ब्रॉक लेसनर और हमारे डोरेमोन एक साथ ही अपना रिटर्न करने वाले हैं। रेसलिंग न्यूज, रेसलिंग पॉडकास्ट, सब जगह यही न्यूज आ रहा है कि दोनों का कनेक्शन है अभी। नेक्स्ट आगे बात करते हैं WWE एक और इंटरेस्टिंग काम करने वाली है फ्यूचर में, यानी कि माइक टायसन और लॉगन पॉल का एक कॉम्बिनेशन
एग्जीबिशन देखने को मिलने वाला है। यार बॉक्सिंग और रेसलिंग का अलग सा कॉम्बो है ना, दोनों काफी यूनिक लगता है अगर दोनों के मेंबर एक दूसरे के साथ मिल जाए। नेक्स्ट आके बात करते हैं सेथ रॉलिंस के बारे में। मैं पर्सनली बोल रही हूँ, मुझे सेथ रॉलिंस पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि सेथ रॉलिंस रोमन रीन्स के साथ जाएंगे। अगर बाय चांस सेथ रॉलिंस रोमन रीन्स के ब्लडलाइन में ज्वाइन हो गए ना, फिर भी वो रोमन रीन्स को 110% धोखा देने वाले हैं। क्योंकि आप ही देख लो, अभी रोमन रीन्स के पास कोई भी चैंपियनशिप नहीं है, उसके पीछे सिर्फ एक और एक कारण है, वो सेथ रॉलिंस है। आपने देखा था ना रेसलमेनिया 40 में सेथ रॉलिंस कोडी रोड्स के साथ मिलकर रोमन रीन्स को हरवाए थे। आगे बात करते हैं रिकोशे के बारे में। रिकोशे तो WWE को रिसेंटली छोड़े है, तो WWE छोड़ने के बाद वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं AEW में। और रिकोशे ये भी बोले कि मैं जो WWE में काम नहीं करके दिखा पाया हूँ, मैं AEW में करके दिखाऊंगा। रेसलमेनिया 41 आया नहीं है, बट 42 का टीस हो रहा है कि रोमन वर्सेस सेथ का हमें एक मैच देखने को मिलने वाला है। और रेसलमेनिया 41 के लिए एक काफी डेंजरस मैच देखने को मिलेगा, जहाँ पे रोशन रेड, ब्रॉन बेकर और सेमस रहने वाले हैं। यानी कि तीनों के बीच कोई ना कोई चैंपियनशिप के लिए मैच हमें देखने को मिलने वाला है। वैसे गाइस आपका क्या ओपिनियन है कि ये मैच कैसा होने वाला है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, जो लोग अभी तक मुझसे इंस्टा में कनेक्ट नहीं हुए, कनेक्ट हो जाना, मैं लिंक नीचे डाल दूंगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।